हमारे मुस्लिम भाई मानते हैं कि हजरत मोहम्मद मुस्तफा साहब जो है अल्लाह के रसूल हैं। कुरान स्क्रिप्चर पूरे किताब के अंदर 6336 आयतों के अंदर कहीं भी क्लियरली ये नहीं कहता कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं जिन पर कुरान नाजिल किया गया। अगर कोई ये साबित कर दे मुझे स्क्रिप्चर से कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं तो मैं इस्लाम कबूल कर लूं। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक पैगंबर ही तो है, इनसे पहले भी बहुत से पैगंबर हो गुजरे हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के वालिद नहीं है, लेकिन अल्लाह के पैगंबर और नबियों की मोहर यानी सिलसिले नबूवत को खत्म कर देने वाले हैं और अल्लाह हर चीज से वाकिफ है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पैगंबर हैं और जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे और जो किताब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई उसे मानते रहे और वो उनके परवरदिगार की तरफ से बरहक है कि जिसने उनके गुनाह दूर कर दिए और उनकी हालत संवार दी।